हे गाइस, टेकर्सी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये फितरत है आपकी, आप चलना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों से थोड़ा ज़्यादा आगे, और इसी फितरत की वजह से आपकी काबिलियत को माना जाता है। तो फिर ये गैजेट्स जो आप देखने वाले हैं, आपको अपने आसपास के लोगों से आगे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आगे भी रखेंगे। फिर चालू करते हैं आज की पूरी वीडियो, जिसमें आपके काम के कई सारे गैजेट्स मौजूद हैं। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत होगी स्पिन फ्लक्स से। बच्चों को खिलाने के लिए, कभी खुद के खेलने के लिए, या फिर कभी दोस्तों के बीच टॉस करने के लिए हाथों से कॉइन तो आपने जरूर घुमाया होगा, या फिर कोई भी सर्कुलर चीज अपने टेबल पर रखकर या किसी भी सरफेस पर घुमाई होगी, लेकिन इतनी ज्यादा देर तक और इतनी सही तरीके से नहीं घूम सकती जिस तरीके से ये गैजेट घूमता है। और यह घूमते हुए अपना सरफेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और अगर एक ही साइड में इसके घुमाने की डायरेक्शन आ जाती है तो इसके बीच में लगा हुआ इसका मैग्नेट उसे एक डायरेक्शन में घुमाने से रोक लेता है। तो बच्चों को हाथों में खेलने के लिए स्पिन के बजाय आप यह गैजेट दिला सकते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत है और बढ़िया भी लगता है, और बार बार टेबल से गिरता भी नहीं। एक बार के घुमाने पर कोई भी स्पिनर इतना नहीं घूमता जितना यह गैजेट एक बार में अपनी सरफेस पर काफी देर तक घूम सकता है। नंबर 9 पर आता है टियोडोर। आप ऑफिस से निकल रहे हैं और आपका मेहमान आपके घर के बाहर आ चुका है। घर के दरवाजे पर लॉक है जिसकी चाबी आपके पास है, तो क्या आपका मेहमान इतने टाइम तक परेशान होता रहे? क्या आप यही चाहते हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपने किसी भी नॉर्मल लॉक वाले दरवाजे को एक स्मार्ट लॉक वाले दरवाजे में बदल दीजिए, और इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर लीजिए अपना स्मार्टफोन, जिसके बाद आप अपने घर के दरवाजे को अपने ऑफिस में होते हुए लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। यह लॉक स्मार्टफोन से कनेक्ट रहता है, और दरवाजा कब खुल रहा है उसकी नोटिफिकेशन भी आपके स्मार्टफोन पर पहुंच रहा है। इसके साथ आपको अपने पॉकेट में चाबी को संभाल कर भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के पास अगर आप बहुत ज्यादा सामान लेकर पहुंचे तो आपकी चाबी से लॉक नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि हैंड फ्री मोड पर भी वर्क करेगा। आपकी इजाजत के बिना अगर कोई डोर को खोलने की कोशिश भी करता है, तो आपके दरवाजे के साथ जबरदस्ती भी करता है, तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी। नंबर 8, रॉयल लेमन। सुबह सुबह आप जल्दी उठते हैं तो सूरज की किरणें जो सवेरे आती वह हमारे लिए कितने फायदेमंद है, यह तो आपको जरूर पता होगा। और यह भी पता होगा कि सूरज उन किरणों के साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं टिका होता, और सूरज से आ रही इन किरणों की मदद से अब एनर्जी को स्टोर किया जाता है सोलर पैनल के जरिए, लेकिन यह पैनल उसी वक्त एनर्जी स्टोर कर पाते हैं जब तक सूर्य इनके सामने रहता है, और जैसे ही सूर्य अपनी डायरेक्शन चेंज करता है फिर इसमें एनर्जी सेव नहीं होती। पर जितने टाइम सूरज आसमान से पृथ्वी से दिखता रहता है उसकी किरणें जमीन पर आती रहेंगी, तब तक यह ड्यूअल एक्सिस पर वर्क करने वाली बड़ी सी बॉल जैसी दिख रही ग्लास उस एनर्जी को सोलर पैनल तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाती रहेगी। सूरज अगर दाएं आया तो आपका रिफ्लेक्शन सिस्टम सोलर पैनल की किरणों को पहुंचाएगा, और अगर बाएं जाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से एनर्जी को सेव करने वाले सोलर पैनल तक एनर्जी को पहुंचाएगा। तो अब इसके साथ आप और भी ज्यादा एनर्जी को सेव कर सकते हैं। नंबर 7, स्पार्क विटामिन एयर। बाइक हो या कार, स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है जब भी उसका इंजन वर्क कर पाता है, और यह स्पार्क होता है फ्यूल की वजह से। हम जितना ज्यादा फ्यूल और जितना अच्छा क्वालिटी का फ्यूल अपनी बाइक या कार में इस्तेमाल करते हैं, उतनी ज्यादा अच्छे से यह चलती है। तो अब आपकी बॉडी के लिए भी स्पार्क वाला गैजेट आ चुका है। इसके लिए आपको पेट्रोल पीने की या डीजल पीने की जरूरत नहीं, बस अपने पॉकेट में पैन के साइज का पूरी तरह से इको फ्रेंडली यह गैजेट रखना है। भागते दौड़ते मेहनत करते हुए आपकी बॉडी थक हार जाती है, और आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं, तो अपने पॉकेट से निकालकर कुछ ही सेकंड में इस गैजेट की मदद से अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें है नेचुरल इंटीग्रेटेड विटामिन डी और बहुत कुछ। इसके साथ फ्लेवरिंग टेस्ट है, जिसे कुछ देर के लिए अपने मुंह से खींचने के बाद आप बिल्कुल तरोताजा फील करेंगे। तो अब आपकी बॉडी जहां पर भी अपनी मंजिल पर पहुंचने में कोई कसर करती है, वहां पर इसका टेस्ट और इसका स्पार्क आपको एक नई ताकत दे देगा। नंबर 6, पेंगुइन मूविंग एक्वेरियम। मछलियों के पास तो एक ऐसी आंख होती है जिनसे वह पानी में सब कुछ देख पाती और पानी में हर वक्त अपनी आंखें खोल कर रख पाती है, लेकिन हमारी आंखें तो कुछ ही देर में पानी में बंद होने लगती है और उनमें लालपन आने लग जाता है। तो अब आपकी आंखों से बिना तकलीफ दिए समुद्र के नीचे की खूबसूरती को आप बिल्कुल सही तरीके से देख पाएंगे। यह इनोवेटिव कॉम्पैक्ट सेमी सबमरीन जो ऊपर से दिखने में तो किसी बॉडी की तरह दिखती है, पर आप इसमें इसके ऊपर खड़े होकर नाव का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन इसके नीचे ग्लास वाला कैबिन बनाया गया जिसमें आराम से बैठकर आप समुद्र की मछलियों को और जीवों को अपनी नजरों के सामने तैरता हुआ देख सकते हैं। इसको चलाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई गई है, इसे ड्राइविंग करना और भी आसान है, और यह इको फ्रेंडली इसमें ऊपर खड़े रहने के साथ साथ लेटने तक की जगह दी गई है। पेंगुइन वर्जन 2.0 में आप 9 से 12 पैसेंजर इसमें लेकर जा सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ पानी के अंदर का मजा ले सकते हैं। इस तरह से बस में या कार में बैठकर तो आपने कई तरह के सफर किए होंगे, पर इस तरह का पहला सफर और नया सफर आपको बहुत ही ज्यादा मजे देने वाला है। नंबर 5, PIQO। घर में बैठकर अपनी दीवार के सामने देखकर आपको नई नई थिंग्स आती हैं।
आप उस दीवार पर देखना चाहते हैं बड़े पर्दे वाली स्क्रीन और मूवीज एंड वीडियोस। ये छोटा सा मिनी साइज का क्यूब जो सिर्फ 2 इंच के साइज का, लेकिन ये आपको 240 इंच फुल HD प्रोजेक्शन देता है, क्योंकि यह एक प्रोजेक्टर है, उसी तरह का प्रोजेक्टर जो आपने कभी कॉलेज या स्कूल की प्रेजेंटेशन में यूज़ किया है, साथ ही ऑफिस की प्रेजेंटेशन में बड़े से साइज में ज़रूर देखा होगा। और पुराने वक्त में जब छोटे छोटे सिनेमा बनाए जाते थे तो इस तरह के प्रोजेक्टर जो बड़े साइज के होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यह प्रोजेक्टर अपनी प्रोजेक्शन के साथ आपको 1080p क्वालिटी की वीडियोग्राफी इसके प्रोजेक्शन में दिखाएगा। इसके साथ आप कहीं भी एक बड़ा सा सिनेमा हॉल बना सकते हैं। इसके टच स्क्रीन पैड में हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस है जो 200 लुमेन लाइटिंग इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है। यह मिनी प्रोजेक्टर कनेक्ट हो जाता है स्मार्टफोन से, कंप्यूटर टेबलेट से, और आप अपने स्मार्टफोन से जो भी मूवी स्टार्ट करेंगे वह इसकी बड़ी सी स्क्रीन पर आप अपने घर की वॉल पर कहीं भी प्रोजेक्ट करके बड़ी स्क्रीन के साथ मूवी का मजा ले सकते हैं। बस आपको इसका अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले दिखने के लिए इसे वॉल से या किसी पर्दे से सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर रखना है। यह आपको आई प्रोटेक्शन फीचर के साथ मूवी दिखाएगा और इसकी बैटरी एक बार में 5 घंटे तक चलती है। और अगर आप इसके साथ सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं तो इसकी बैटरी 50 घंटे तक चल सकती है। नंबर 4, लक्स बायोनिक चेयर। घर से सुबह जल्दी निकलकर ऑफिस पहुंचते ही पूरा दिन जिसके साथ बिताना होता है वो है हमारी ऑफिस की चेयर, या हम घर पर भी होते हैं तो चेयर का इस्तेमाल करते हैं। और यह चेयर अभी तक इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बनाई गई जितनी यह टेबल कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका डिजाइन एर्गोनॉमिक डिजाइन है और आप इसे पर बैठने के बाद बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करेंगे। यह किसी एक जगह पर रखी हुई नहीं रहती, इसे तो आप सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं। आपको जहां भी बैठना है वहां सिर्फ पुल इट कीजिए और कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाइए। यह दुनिया की पहली फोल्डिंग एक्सोस्केलेटन चेयर है जो पैटर्न पेंटिंग डिजाइन पर बनी हुई है। यह चेयर एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम की बनी हुई है जो अपने ऊपर 120 ग्राम का वजन झेल सकती है। अगर आप अपने बेड पर भारी भरकम बैकपैक डालते हैं तो यह आपके भारी भरकम बैकपैक का 50% तक लोड उठा सकती है। इसे आप अपने साथ अटैच करके आप कहीं भी बाहर घूम सकते हैं और जहां आपको बैठना है बिना किसी ज्यादा जगह करने वाली चेयर को कुछ ही सेकंड में खोलकर बैठ सकते हैं। नंबर 3, टाइटन ड्रोन। समुद्र के ऊपर से खींची गई फोटो तो आपने वॉलपेपर के तौर पर अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर कई बार देख ली। यह भी जरूर सुना होगा कि समुद्र जितना हो ऊपर से यह खूबसूरत नहीं दिखता जितना यह पानी के अंदर खूबसूरत है। इसमें कई राज छुपे हैं, तो इस खूबसूरती को और इसके राज को अगर आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है तो फिर आपके लिए बनाया गया है ड्रोन जो हवा में नहीं उड़ता, पानी के नीचे चलता है और 492 फीट नीचे तक के पानी में जा सकता है। इस ड्रोन में लगा हुआ है 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी वाला कैमरा जो अपने सामने ही समुद्र में चल रही हलचल को बिल्कुल रियल टाइम में इसके कंट्रोलर की स्क्रीन तक लाइव वीडियोग्राफी के द्वारा पहुंचाता है। 3000 हाई न्यूमेन वाली LED लाइट्स में लगी हैं और यह पानी में 6.6 फीट तक की मैक्सिमम स्पीड से नीचे जा सकता है। यह अपने कैमरे से 160 डिग्री एंगल तक समुद्र के अंदर एपिक मूवमेंट को और अंधेरे में बिल्कुल क्लियर वीडियोस को सही से लेने की एबिलिटी रखता है। साथ में यह पानी के अंदर तैरने वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रोन है जो कि अब तक का सबसे बेस्ट माना जाता है। नंबर 2, टूर बॉक्स। अपने हाथों में कैमरा लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपकी फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले दूसरे स्टार की तरह हो जाएगी तो शायद वह इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि उसमें कई सारी एडिटिंग करना अभी बाकी है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो फिर यह गैजेट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यह कंप्यूटर पर फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली बनाया गया। इस गैजेट में कंप्यूटर के माउस से ज़्यादा कमांड देने वाले बटन हैं और इन बटन के साथ इसके बीच में लगे हुए घूमने वाले इसके कंट्रोलर के साथ आप किसी भी फोटो को बहुत ही लाजवाब तरीके से एडिट कर सकते हैं। फोटोशॉप के लिए अगर आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसके बावजूद आपकी फोटोग्राफी का लेवल नहीं बढ़ रहा है तो आप इस गैजेट को अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए, जिसके बाद आपकी फोटो की छोटी सी छोटी चीज को सही तरीके से एडिट कर पाएंगे। पेंसिल की नोक के बराबर अगर आप कोई चीज को एडिट करना चाहते हैं तो इस गैजेट की मदद से आप फोटो में उस चीज को एडिट कर सकते हैं। आपके चेहरे को अगर फोटो में आप बहुत ही ज्यादा साफ करना चाहते हैं और किसी देखने वाले को बहुत ही ज्यादा हसीन दिखाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से अपने फेस की हर झुर्रियों को आप गायब कर सकते हैं। फोटो को ज्यादा जूम करते समय उसकी ब्राइटनेस को हर जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यह डिवाइस आपके कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट होना जरूरी है। नंबर 1, बीम। बीम सुनकर शायद आपके दिमाग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बीम और कॉलम का ध्यान आ चुका होगा और आप सोच रहे हैं कि आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले बीम के बारे में बताया जाने वाला है, तो यहाँ कुछ और ही बताया जाने वाला है, बिल्कुल अलग ही टाइप के गैजेट के बारे में। वैसे बटर जो आपके किसी सिंपल डिश को तो टेस्टी बना ही देता है, किसी नॉर्मल डिश को स्पेशल डिश बना देता है, और कई सारी डिश तो ऐसी जिनका नाम बटर के साथ चालू होता है। और अपने इस पर अपने कपड़ों पर अभी तक खुशबू के लिए स्प्रे किया होगा और अपने रूम में फ्रेशनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल आपने किया होगा, वह आपकी खाने वाले डिस्को बटर वाला बना रहता है। आप इसमें अपनी बटर की स्टिक को डाल दीजिए और
उसके बाद आपका बटर इस प्रेस फॉर्म में होकर आपकी डिश पर डालने के लिए सिर्फ इसके स्प्रेयर बटन से तैयार हो जाएगा। अपने घर पर या होटल में इसका इस्तेमाल आप बटर वाली डिश को बिना बटर वेस्ट किए तैयार करने में मदद करेगा, क्योंकि बटर की पूरी हिस्ट्री की किसी भी चीज में डाल दी जाती और किसी को ज्यादा पसंद होता है तो किसी को कम, सभी अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब जिसे जितना बटर चाहिए अपनी पसंद से दे दें इस स्प्रेयर की मदद से, जो इस तरह का पहला गैजेट है जो इस बटर को स्प्रे करता है। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।